नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। ये उपाय दोस्तों जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, आपके जीवन में खुशियां भर देगा, आपके मन को हमेशा प्रफुल्लित रखेगा। इस उपाय को करने से हमेशा घर में लक्ष्मी का वास रहता है। दोस्तों, हम भगवान को ज्यादातर वो चीजें अर्पित करते हैं, जैसे हमने देखा कि भगवान जी को तो चावल चढ़ाए जाते हैं। चावल चढ़ाओ भगवान जी को, मतलब जो जो चीज रोजमर्रा के जीवन में आप देखते हैं कि हमसे बड़े ये कर रहे हैं तो हमें ये करना है। ओके, क्योंकि जिन्हें हम देखते हैं उन्हें भी हर चीज का कोई गहरा नॉलेज नहीं होता, उन्होंने भी वैसे ही वो चीज सीखी होती है जैसे हम उनसे सीख रहे हैं। तो कई बार उसमें ऐसा होता है कि जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं लाइफ में वो रह जाती है होने से। कई पूजा पाठ ऐसी हैं, हम चावल भी चढ़ा सकते हैं, हम और भी कई चीजें हैं जो भगवान को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन हमें नॉलेज नहीं होता। कई बार हमें ऐसा लगता है कि बस भगवान जी को अगर सबसे अच्छा कोई पुष्प लगता है तो कमल का पुष्प। कई एक ऐसे पुष्प है दोस्तों, यदि आप वो पुष्प भगवान को अर्पित कर देते हैं, वो पर्टिकुलर चीज, तो आपकी वर्षों से सोई किस्मत जाग उठती है। कई बार आप देखना, आपको खुद को ही पता नहीं होता कि अरे यार, एक महीना पहले, छह महीना पहले तक मेरी कंडीशन कितनी बुरी थी या कितनी अच्छी थी, और ये सडनली क्या हो गया, अचानक बहुत अच्छा या अचानक बहुत बुरा। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमने अपनी रोजाना जिंदगी में कब कहां गलती कर दी। कई बार कोई ग्रह हमें बहुत अच्छे से मदद कर रहा है, हमारी नौकरी धंधे को दौड़ा रहा है, हमारी किस्मत को चमका रहा है, वो ग्रह आपके किसी रिलेशन से जुड़ा है। जैसे कोई ग्रह आपका रिलेशन आपकी बहन से है, आपका रिलेशन आपकी बेटी से है, आपका रिलेशन आपकी माता से है, और उनके जो ग्रह नक्षत्र है, आप यदि उनके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा है तो आपका ये ग्रह चमकेगा। जैसे आपके बुध, आपकी बहन आपके ऊपर जितना प्रसन्न रहेगी आपके नौकरी धंधे दौड़ेंगे, आपकी पत्नी आपके ऊपर जितनी प्रसन्न रहेगी आपके शुक्र मजबूत रहेंगे, आपकी माता आपके ऊपर जितनी प्रसन्न रहेगी आपके चंद्र मजबूत रहेंगे, है ना? अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने अपनी माता को दुखी दुखी कर दिया। माँ है दोस्तों, भगवान भी जिसके सामने नतमस्तक हो जाता है वो माँ है, और कितनी अभागी है वो संतानें जो अपनी पत्नी के कहने पर अपनी माँ की बुराइयां करना शुरू करते हैं। कितने अभागी है इनका, ये कितने अभागी, इनको क्या भोगना है भविष्य में शायद यही नहीं जानते, और कुछ ऐसा वर्तन व्यवहार करते हैं कि माता दुखी दुखी हो जाती है। कई बार तो मैंने देखा है कि ऐसी माताएं जिन्होंने अपना पूरा जीवन संतानों को पालने पोसने में वार दिया, उन संतानों ने पत्नियों के कहने पर माता का बुढ़ापा, माता की मौत बर्बाद कर दी। जाते जाते भी माताएं रोती हुई गई, संसार को छोड़ते समय भी बस यही दुख कि मैंने क्यों ऐसी संतानें पैदा की। और वो संतानें दोस्तों अपनी पत्नी की जब बड़ाई करती हैं बैठ करके, तो ऐसा लगता है आप पर कि जैसे आकाश टूट करके गिर पड़ेगा। तो ऐसे अभागी संतानें भी हैं दुनिया में, हमें पता ही नहीं चलता। एक्चुअली हमें अपने कर्मों का जो फल भोगना है, हमने पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं अब उसका फल हमें इस जन्म भोगना है, तो कुदरत भी हमसे वही कर्म करवाती है। आप देखना, आपको यदि बहुत दुख भोगना है तो आपकी बुद्धि पहले भ्रष्ट अपने आप ही हो जाएगी। जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लेना। अगर आपकी मति सही दिशा में चल रही है तो आप कर्म खराब करेंगे नहीं, कर्म खराब करेंगे नहीं, आपके जीवन में दुख आएगा नहीं। लेकिन क्योंकि आपने पिछली जिंदगी में या पिछले जन्म कोई ऐसा कर्म कर दिया है कि इस जन्म आपको दुख भोगना ही है, तो इस जन्म भी आप उससे मिलता जुलता पाप कर्म जरूर करेंगे।
है ना। आज जो मैं आपको उपाय बता रही हूं, ये उपाय दोस्तों आपके चंद्र को मजबूत बनाने वाला उपाय है। सिर्फ चंद्र को ही नहीं, इस उपाय से भगवान शिव आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने का ये बहुत आसान उपाय है, बहुत आसान उपाय है। मैंने बताया ना कि हम बहुत कीमती कीमती चीजें कितनी बार भगवान को अर्पित करते रहते हैं, लेकिन कितनी बार 2 रुपए की चीज जो उन्हें बहुत पसंद है यदि हम उन्हें अर्पित कर दें तो वो प्रसन्न होते हैं। हाँ, एक चीज जरूर है, आप उपाय तो कर रहे हैं लेकिन यदि आप गलत कार्य कर रहे हैं तो फिर आपके उपाय विफल हो जाते हैं। मैंने दोस्तों कितने ऐसे लोग देखे जिन्होंने अपना पेट पालने के लिए साधारण सहज निर्दोष लोगों की बलि चढ़ा दी। आज के जमाने में लोग सिर्फ डंडे की भाषा समझते हैं, डंडा चाहिए उनको जो दुष्ट है। अगर आपने उनको सही समय पर डंडा नहीं दिया तो वो आपको बर्बाद कर देंगे, आपको कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देंगे। ऐसे दुष्ट लोग आज के जमाने में बहुत है, बहुत है। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे दोस्तों, इतने ज्यादा पुराने हैं। हमेशा सावधान रहे, हमेशा मेरी लाइफ में 1-2 लोग दोस्तों ऐसे रहे जो बहुत निर्दोष हैं, बहुत निर्दोष। कोई भी अगर उन्हें कह दे कि अरे वाह आप तो ऐसे हैं तो बहुत खुश हो जाते थे। मैं हमेशा उनसे कहती थी कि सावधान, ये लोग गिरगिट है। लेकिन उन्हें जब अनुभव हुआ तब पता चला कि हाँ ये सच में गिरगिट के जैसे थे। तो ऐसा होता है, हम पहचानने में गलती करते हैं। ये उपाय दोस्तों आपको सही समझ देगा, ये उपाय आपके मन को मजबूत बनाएगा। शिव पूजा ऐसी है जो आपकी तमाम इच्छाओं को तुरंत पूरा करती है, और ये उपाय भी दोस्तों आपकी तमाम इच्छाओं को तुरंत पूरा करेगा। आपके अंदर होशियारी भी आएगी, चालाकी भी आएगी। वैसे आपकी बुद्धि तेज होती है बुध ग्रह से, लेकिन अगर आप इस चीज से शिव पूजा करेंगे तो आपके चंद्र के साथ बुध भी आपके मजबूत बनेंगे। मतलब कई बार जब बच्चा बिल्कुल कुछ करने के लायक नहीं होता, ताजा जन्मा बच्चा है, या जब तक उसकी खुद की समझ डेवलप नहीं होती है तब तक उसको किस चीज की नीड है, अगर वो अपने बारे में ना भी सोचे तो भी सोचने के लिए उसकी माता उसके पिता होते हैं। ऐसे ही जीव अगर खुद का पूरा समर्पण भाव कर दे भगवान के आगे तो आपको पता भी नहीं होता है कि हमें सच में किस चीज की नीड है। कितनी बार ऐसा होता है हम भगवान से हमें जरूरत किसी और चीज की है पर हम मांग कुछ और रहे हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि ये चीज अगर हमको मिल गई तो हम खुश हो जाएंगे। 2-5 साल के बाद मालूम पड़ता है कि वो अच्छा हुआ कि ये नहीं हुआ, अच्छा हुआ ये व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं आया, अगर आ जाता तो अच्छा हुआ। इस व्यक्ति के साथ मैंने ये वाला व्यवहार नहीं किया था, अगर किया होता तो। और उस समय हम भगवान को ब्लेम कर रहे थे कि कैसा भगवान है तू, मेरा ये काम नहीं होने दिया, कैसा भगवान है तू, वो इतने दुष्ट थे और तूने उसको सजा नहीं दी। कुदरत को बहुत अच्छे से मालूम है कि उसको कब कहां क्या करना है। तो ये पूजा जब आप भगवान के आगे करें, पूरा समर्पण भाव रख करके करें, कुदरत से कहें हमेशा, सिर्फ इसी पूजा मैंने की है, भगवान मुझे नहीं पता है मुझे क्या चाहिए, तुझे सब कुछ पता है, मैं तेरी इच्छा में अपनी इच्छा मिला दूं, तू जो भी मुझे दे मैं उसमें खुश रहूं, मैं हमेशा खुश रहूं, मैं कभी तेरे से फरियाद ना करूं, ऐसा मुझे मन दे, ऐसी मुझे बुद्धि दे, पूरा समर्पण भाव। इसके सिवाय दोस्तों छुटकारा नहीं है, चाहे आज आप मेरी बात को माने या सालों बाद इस बात को माने, जब ये चीज आपके अंदर से आ जाए, जब तक आप कुदरत के आगे संपूर्ण रूप से समर्पण नहीं कर देंगे कोई भी चीज आपको नहीं मिलेगी, मिल भी गई तो छूट जाएगी। चीजें मिलती रहेंगी पर वो सुख नहीं मिलेगा जो आपको सच में चाहिए। आत्मा उसका ओरिजिनल जो सुख है वो चाहती है, और वो तभी मिलेगा जब आप भगवान की शरण में जाएंगे। चल ये बात पूरा, मैं कितनी बार जो कंटेंट है वहां से हट करके दूसरे टॉपिक पर चली जाती हूँ, है ना। आप एक काम करें, ये सोमवार और आज शिवरात्रि भी है, तो आज के दिन शिवरात्रि मतलब महाशिवरात्रि नहीं है, हर महीने जो शिवरात्रि आती है आज वो शिवरात्रि है, तो आज के दिन आप एक काम करें, दुकान से खसखस ले आए। खसखस दोस्तों लक्ष्मी प्रदान है,
खसखस आपके चंद्र को मजबूत बनाती है और खसखस आपके शुक्र को भी मजबूत बना देती है। खसखस चंद्र से जुड़ी हुई है, खसखस शुक्र से भी जुड़ी है। आज के दिन आप खसखस लेकर के आए, ला करके उसको दूध में मिला दें, या मैं यूं कहूं खसखस में थोड़ा सा दूध डाल दें और उसे ऐसे मिलाए कि आप उसको चम्मच चम्मच से ले सके, ठीक है। लेकर के आप शिवालय में चले जाएं, शिव जी के आगे बैठ जाएं, जो आप नित्य पूजा जैसे भी करते हैं, जैसे जल चढ़ाना है, कच्चा दूध चढ़ाना है, शिव जी के आगे घी का दिया, अगरबत्ती, पुष्प, आप जो भी अर्पित कर रहे हैं, आप अपनी नित्य पूजा कर लें, ठीक है, पूरी पूजा कर लें। उसके बाद में आप खसखस जिस पात्र में लेकर के गए हैं उसको कटोरी में और उसमें चम्मच रख करके आप शांति से बैठ जाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र आप 11 बार बोल दें। कितनी बार? 11 बार। उसके बाद आप 11 बार ही अपनी इच्छा बोल दें, बराबर। उसके बाद में आप एक चम्मच इसमें से खसखस लें, ओम होम जुम शाह, ओम होम जुम शाह, ओम होम जुम शाह, इस मंत्र को बोले और खसखस शिवलिंग पर चढ़ा दे। यदि संभव हो तो आप गिनती कर ले 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार। नहीं कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतनी चम्मच आप खसखस के चढ़ाए, ज्यादा से ज्यादा करें, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। चढ़ा दे, जो दीपक आपने जलाया है उसी से आप उनकी आरती कर दे, आरती घुमा दे, घंटी बजा दे बड़े जोर से, जितना आप में बल है घंटी बजा दे भगवान के सामने बैठकर। जो घंटी हाथ से बजाने वाली होती है मंदिर का, वो जो घंटा है वो ना पछाड़ दे। कई लोग दोस्तों मैंने देखा है मंदिर में जा करके जो मंदिर का घंटा टंगाए, दे तेरी दे तेरी दे तेरी, साथ में छोटा बच्चा है, पापा हाँ आजा बेटा बजा, बाजू वाला ध्यान में बैठा है, कुछ बेचारा अपना दुख दर्द भगवान से शेयर कर रहा है और ये उसके माथे पर लगे हैं धना धन धना धन धना धन, है ना। ऐसा ना करें, जो घंटी आपके हाथ में बज रही हो, ऐसा भी नहीं है आपके आस पड़ोस में जैसे कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है और अगर वो ध्यान में है पूजा में। एक चीज दोस्तों हमेशा मंदिर में ध्यान रखें, मैं इसकी वीडियो अपलोड करूंगी कि मंदिर में कभी ऐसे काम नहीं करने चाहिए। आप घंटी बजा रहे हैं, आप अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं। कितने लोग बहुत जोर जोर से स्तोत्र पढ़ने लग जाते हैं, वो आपकी पूजा है, लेकिन आपके साथ ही उसी शिवालय में बाकी भी 4-5 लोग बैठे हैं और वो पूजा कर रहे हैं, आप उनकी पूजा को डिस्टर्ब कर देते हैं। किसी भी व्यक्ति को, ध्यान में बैठे हुए व्यक्ति को, पूजा में बैठे हुए व्यक्ति को डिस्टर्ब करना, उस समय उसके अंदर जो अगर क्रोध उत्पन्न होता है तो आप महापाप के भागीदार बन जाते हैं। कभी भी उस डिस्टर्बेंस पैदा हो ऐसी पूजा ना करें, बजा दें। अगर आपको लगता है आपके आसपास 4-5 लोग और भी बैठे हैं वो भी ध्यान कर रहे हैं पूजा कर रहे हैं, थोड़ा धीरे बजाएं, अकेले बैठे हैं पूरी ताकत से उसको बजा दें एक बार, मतलब आपकी पूजा संपूर्ण होनी चाहिए, बजा दें। और उसके बाद में घंटी को रखें, माथा टेकें, माथा जरूर टेकें जमीन पर, ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें और उसके बाद में सीधे बाहर निकल जाएं, सीधे बाहर निकल जाएं। आपको ना किसी से कहना है कुछ, ना सुनना है, ना ही आपको पीछे मुड़ करके देखना है। चप्पल आप पहले से ही बाहर ऐसे उतार करके जाएं कि जब आप जा रहे हैं आपको मुड़ करके वापस नहीं देखना है। आपने सुना होगा दोस्तों मंदिर में हमेशा पूजा करने के बाद बाहर बैठना चाहिए कुछ देर के लिए, भगवान की तरफ मुड़ करके देखना चाहिए और फिर जाना चाहिए, लेकिन इस उपाय में आपको इससे बिल्कुल उल्टा करना है। बिल्कुल आपको ऐसे चले जाना है कि आपने कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात भगवान से कह दिए और अब आप जा रहे हैं, बड़े से बड़ा काम दोस्तों आपका होगा। इस उपाय को जरूर करके देखें, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिएगा अवश्य। जय श्री कृष्ण।